अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएस ब्लॉग्स। मेरा नाम है अब्दुल्ला और आज यार हम लोग डस्का जा रहे हैं। डस्का क्यों जा रहे हैं? इन भाई की वजह से। यार आपका क्या हाल है वैसे? अस्सलाम वालेकुम। इन्होंने कहा यार मुझे एक बहुत ही ना झक्कास जगह का पता चला है, वहां से हम चपली कबाब खाएंगे। बिल्कुल नाश्ता करेंगे वहां से। आज 10 बजे को नाश्ता जैसे हो जाए अभी वहां पहुंच के ना यार देखते हैं कि किस तरह का है। इट बेटर बी गुड, क्योंकि हम लोग यार जिम से छुट्टी कर रहे हैं, बंक करके जा रहे हैं। जिम जा रहे हैं? जिम जाना, हां जी। गेम करने के बाद वहाँ पे जाना है, वो 10 बजे ऊपर होगा। ये अचानक मुझे पता चला यार। चलो थोड़ी बहुत करते हैं फिर निकलते डस के। चलो पहुँच चुके यार, ये बंदा जिम के लिए तैयार हुआ था, अब हम इसको लेके ये तैयार हुआ था सॉरी डस के जाने के लिए। पहले दिन से इससे एक नहीं था लग रहा, आज माशाल्लाह देखो 20-20 लगा रहा है। कल इसे 40 लगाने हैं, परसों से 60 लगाने हैं, सैटरडे संडे को इसे 100 लगाना, क्योंकि छुट्टी नहीं है ना। बड़ी ठंड होगी यार, बड़ी ठंड होगी। और अभी यार जिम लगाने के बाद हम लोग डस्क के लिए निकल चुके हैं। ये इस्लामी को देख सकते यार, हम लोग 80 की स्पीड पे जा रहे हैं इस टाइम, ये देख सकते हैं करीब से। और अब्दुल्ला भाई इतनी तेज जा रहे हैं, इनके पास अभी 70 है, वैसे जा रहे हैं जैसे इनके पास 100 है। देखो 100 की स्पीड पे जा रहे हैं ऐसा लग रहा है। अभी यार टैंकी फुल करवाएंगे, टैंकी खाली होने वाली है। 500 वाला पाओ तो 500 वाला कर दो। ये देखो यार, ये नॉर्मल पेट्रोल है और ये हाई ऑक्टेन। और अभी दोबारा से डस्के के लिए हम निकल चुके हैं यार। और ये पुल आ गया मेरे हाथ से, शायद लाहौर जाता है यार। इसके नीचे से हमने सीधे निकलना है और हम डस्के की तरफ निकल चलेंगे। और मौसम भी यार आज बड़ा कमाल का है यार, ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, बस परफेक्ट मौसम है आज। हाँ तो यार अभी हम डस्के पहुंच चुके हैं यार अपनी जगह पे, पिशावरी चपली कबाब के नाम से यार जगह, मेन सर्कुलर रोड के ऊपर ही है ये। कहते हैं यहाँ के बहुत फेमस है, तो अभी यार चलिए ट्राई करते हैं। चलो करते हैं, चलो चलते। तो ये देख सकते हैं यार, यहाँ के ओनर है यार, जहाँ पे अभी चपली कबाब ये लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं कैसे लगा रहे हैं, ये गया यार तेल में। चलिए इनसे पूछते हैं यार ये कब की चपली कबाब लगा रहे हैं। भाई जी कितनी देर हो गई है? 16-17 साल। यहाँ के मशहूर है काफी। ये करीब से देखिए कैसे लगा रहे हैं अभी, क्या टेक्निक है यार ये गया। ये देखें लकड़ी के ऊपर बन रहा है। ये खाने के बाद अब्दुल्ला भाई भी चपले पड़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? ये खाने के बाद आपको चपले पड़ेंगे। अच्छा मैंने एक और बात नोट की यार, इनका तेल इतना गर्म नहीं आप देख सकते, शायद ये भी ना इसकी वजह से देखिए काफी मशहूर है, कुछ टेक्निक होगी इसके अंदर भी। और ये एक कबाब ना यार 200 का यार, और इसके साथ जो नान मिलेगा वो 30 का है यहाँ पे। और अभी ये बन चुका है यार, अब लोगों को सर्व करेंगे ये अखबार के अंदर डाल के। ये देखिए इस तरह सर्व करते हैं। इनका चटनी डाल के स्टाइल भी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, देख सकते काफी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ लग रहा है। उम्मीद है मजे की भी होगी चटनी। चलिए अभी ट्राई करते हैं यार, ये देख सकते कबाब धुएं छोड़ा, मुँह में पानी आ रहा है। चेक तो करो यार कितना जूसी है, पीज ही सुटी जान दे। और अभी बनते हुए तो देख रहे यार, अब इसको खा भी देखते हैं यार कैसा है। बिस्मिल्लाह करते हैं। और अभी कबाब को तोड़ लेते हैं यार, अगर मुझे टूट जाता है। और अभी तोड़ने के बाद देखिए कितना मजेदार और जूसी लग रहा है यार, मुंह में पानी आ रहा है। अभी इसको जल्दी से यार चटनी के अंदर डुबोते हैं। चटनी भी यार बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी की, जैसे घर की बनी हुई चटनी है, बहुत लजीज और मजेदार। कबाब काफी टेंडर है, जूसी है, मसालेदार है, इन शॉर्ट बहुत ही मजेगा, लजीज है, लजीज यार कबाब वाकई बड़ा मजेगा यार। वो चटनी सोने पे सुहागा कसम से, खट्टी मीठी और मजेगी चटनी जाएगी या लास्ट में चटनी। तो यार हमारा खाना शाना हो चुका है यार, बहुत ही मजे का था यार, जूसी कबाब, मजेदार चटनी और नरम नरम यार नान थे। मैं इसको यार 10 out of 10 दूंगा। आप कितने देंगे इस्लाम भाई? 10 out of 10 खाने को, लेकिन जो सीटिंग है इनकी उसको 10 out of 6 कह रहा हूँ। नहीं सर्विस वैसे अच्छी है, सर्विस वो सीटिंग में मसला है। हाँ सीटिंग में थोड़ा मसला है, मतलब कि कम जगह है और लोग ज्यादा हैं। जब हम आए थे तब तो नहीं था इतना रश, लेकिन अभी काफी ज्यादा रश हो गया था। तो मतलब अगर आप लेट आएंगे ना तो आपको काफी मुश्किल हो। तो आप अब्दुल्ला भाई? यार अच्छा था, मतलब मजा आया, लेकिन मेरे ख्याल से ना बेस थोड़ा सा बेहतर हो सकता था मेरे ख्याल में, 9 out of 10। और बाकी सीटिंग मतलब ठीक थी बस, लेकिन बेहतर हो सकती है। मतलब अगर आप यार डस्का आते हैं ना यार, तो आप लोग लाजमी इसको ट्राई करें यार, बहुत ही मजे का बात है। और अभी सियालकोट दोबारा से पहुंच चुके हैं यार, और असलान भाई को पता क्या है, होशियारी चढ़ी है कुछ।
और बाकी ठीक है यार, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो इसको लाइक कर दे, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दे, कमेंट सेक्शन में लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें, थोड़ी मेहरबानी। बाकी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।